लेक्चर ऑफ मल्टी डिस एंड हम यहाँ पे आपके साथ ये दो महीने का सफर तय कर रहे हैं फॉर दिस सब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है ये मल्टीनरी के स्टडीज एंड हम लोग इसके करीब चालीस केसेस देख चुके हैं ठीक है तो अभी हम लोग देखने वाले केस नंबर 42 से लेके केस नंबर फिफ्टी एंड ये लेक्चर में स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड करो बिकॉज लेट्स जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था एनी वे कीपिंग दैट द साइड लेट अस सी आज हमारे लिए क्या है टॉपिक ठीक है हम लोग सबको पता है कि हम लोग कॉर्पोरेट लॉस देख रहे हैं जिसमें मेन हमारा जो फोकस है वो है कंपनीज एक्ट 2013 पे ऑफ कोर्स हम दूसरे लॉस भी इसमें इंक्लूड कर दिए जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट का कोई प्रोविजन बट बेसिक प्रिंसिपल हर केस में कंपनीज एक्ट का ही है ठीक है तो इस चीज को दिमाग में रखते हैं फटाक चलते अपने पहले केस की तरफ जो है एसवी वी वर्सेस वीएम देशपांडे इनकम टैक्स ऑफिसर सो एसवी खोडस का जो है वो है ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड वीएम देशपांडे जो है वो है इनकम टैक्स ऑफिसर ठीक है जैसे मैंने कहा था इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस आएंगे ये सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील फाइल हुई है वो है तो यहां पर जो एपलेंट है वो एपलेंट है हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड जो रेस्पोंडेंट है वो है हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर ठीक है चलिए तो बिना किसी डी ले के हम लोग पहुंचते हैं एक हम लोग देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या है ठीक है सो तो एक कंपनी थी जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया था हम लोगों ने बोले तो कोर्ट ने ठीक है एक कंपनी थी जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया था वो लिक्विडेशन ऑर्डर पास करने के बाद कंपनी में लिक्विडेशन चल रहा था हम लोग अभी देखने वाले है केस नंबर फोर्टी ठीक है केस नंबर फोर्टी टू ठीक है एक सेकेंड तो ये कंपनी है ए ए के अगेंस्ट हो पास हो चुका है लिक्विडेशन ऑर्डर यहां तक सबको समझा ठीक है नाउ ये इसका जब लिक्विडेशन चल रहा था इसका लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो हम सबको पता है कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका होता है तो लिक्विडेशन जो हो रहा होता है वो होता है अंडर दी सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट ठीक है लिक्विडेशन कभी भी होगा तो वो होता है अंडर दी सुपरविजन ऑफ कोर्ट ठीक है कौन से कोर्ट का सुपरविजन होता है वही कोर्ट का सुपरविजन होता है जिसने लिक्विडेशन ऑर्डर पास किया था राइट ये हम लोग पढ़ के आए कंपनीज़ इनाट हम लोग सबको अच्छे से पता है अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है ना ये जो ए कंपनी है इसके अगेंस्ट लिक्विडेशन पास हो चुका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका था एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका था जो इसका लिक्विडेशन कर रहा था बीच में ही जाने ना जाने कहां से इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिमाग में सरचूजी सरचड़ी उन्होंने बोला कि हम लोग अब इस कंपनी का असेसमेंट खोलेंगे पिछले कुछ सालों का ठीक है एंड उन्होंने पिछले कुछ सालों का असेसमेंट खोल के डिसाइड किया कि हम इनके असेसमेंट को खोल के उनका रीअसेस करेंगे ठीक है जब ये चीज डिसाइड किया एंड उन्होंने असेसमेंट खोलना शुरू किया तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आए इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास एंड बोले आप असेसमेंट खोल रहे हो चलेगा क्या आपने मेरे लिक्विडेटिंग कोर्ट से ऑर्डर ली ठीक है इस बात पे तो ऑफिशियल लिक्विडेटर बोले कि क्या आपने हमारे लिक्विडेशन कोर्ट से ऑर्डर ली हमारा जो लिक्विडेशन चल रहा है वो कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है एंड लॉ ये बात कहता है कि किसी भी कंपनी का अगर लिक्विडेशन चल रहा हो तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी सूट अगर लेके आना चाहते हो तो आपको पहले लिक्विडेशन कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा समझा आपको सो इन ऑफिशियल लिक्विडेटर ने इनकम टैक्स वालों से पूछी क्या आपने परमिशन ली इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि देखो भाई परमिशन तो हमने नहीं ली है बट देन दो रीजन से नहीं ली पहला अभी मैंने कोई सूट फाइल ही नहीं किया अभी तो हम केवल असेसमेंट कर रहे हैं अभी तो मैंने बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोले हैं इसमें कुछ गड़बड़ दिखेगा तो हम सूट फाइल करेंगे उस समय हम जाके पूछ लेंगे आपके कोर्ट से अभी मैंने कोई असेसमेंट की अभी तो मैंने बस असेसमेंट ही किया अभी मैंने कोई सूट थोड़ी फाइल किया है एंड सेकेंड बात बोला उन्होंने बोला और वैसे भी भाई साहब आपको जो पास मिले वो मिले कंपनीज एक्ट के अंडर हमारा इनकम टैक्स एक्ट अलग है हमारे में अपना हेयर आरकी है कोर्ट्स का हमारे में रेमेडियल मेजर्स अपने से बनाए गए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं हम सब चीज खुद से कर सकते हैं समझा तो यहां पे दो बातें बोली इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने पहला कि अभी तो असेसमेंट ही हो रहा है बस सूट नहीं हुआ है असेसमेंट हो रहा है सूट नहीं हुआ है एंड दूसरी बातों उन्होंने बोली वो बोली कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अपने में कंप्लीट कोड है उसमें सारा प्रोसीजर वगैरह खुद से दिया रहता है हमें आपके कोर्ट के अंदर आने का जरूरत नहीं है हम खुद से सब चीज कर सकते हैं ठीक है ऑफिशियल लिक्विडेटर ने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या भी बोलना चाह रहे हो आपने हमारे कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लाया है तो आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा ठीक है मैटर डिस्प्यूट में बदला डिस्प्यूट पहुंचा कोर्ट के पास आप खुद सोचो कोर्ट क्या डिसाइड करेगी कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का पहला पॉइंट है कि भाई ये तो असेसमेंट है ये सूट थोड़े अभी तो मैंने बस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोला है लॉ क्या कहता है लॉ कहता है कि आपको कोर्ट से परमिशन तब लेना होगा जब आप एक कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है उसके अगेंस्ट केस फाइल करोगे यहां पे अभी तक कोई केस फाइल नहीं हुआ है लॉ बहुत क्लियर है इस मामले में जिस दिन केस फाइल करना है उस दिन परमिशन लो क्या यहां पर केस फाइल हो रहा है नहीं यहाँ पे तो बस असेसमेंट खोल के वापस रीअसेस किया जा रहा है तो इस बात पे कोर्ट ने बोला कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स का ये वाला स्टैंड कि आप केवल असेसमेंट कर रहे हो आपने सूट फाइल नहीं किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जिस दिन सूट दिन सूट सूट फाइल फाइल करना होगा उस परमिशन लेके चल जाएंगे अभी थोड़ी कर रहे हैं अभी तो केवल रीअसेस कर रहे हैं तो फिर आए दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन भी कोर्ट ने बोला दूसरा क्वेश्चन भी इनकम टैक्स ऑफिसर सही बात बोल रहे एकदम इनकम टैक्स एक्ट वाकई में अपने में एक कंप्लीट कोड है इनकम टैक्स के अंदर अपने लिए सब चीज एक वे में दिया गया है सारे प्रोविजन बनाए गए हैं तो अगर आपको कुछ भी करना है इनकम टैक्स वालों को तो उनके पास अपना कोड है उनको कंपनीज़ एक्ट फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है कोर्ट ने होल्ड किया कि मेयरली बिकॉज इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने रीअसेसमेंट स्टार्ट कर दिया डज नॉट मीन उन्होंने सूट फाइल किया एंड हेंस उनको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आइए देखते नोट्स में क्या लिखा हुआ है नोट्स में लिखा हुआ है कंपनी लिक्विडेशन में थी ठीक है ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका था उसी दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने नोटिस भेजे एंड बोला कि हम आपका असेसमेंट को खोल के रीअसेस करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने बोला कंपनी कोर्ट से क्या आपने कंपनी कोर्ट से परमिशन ली विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी कोर्ट यू कैनॉट सेंड मी नोटिस कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कंपनी कोर्ट तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा ना वो तो ये बात बोले कि हाँ मेरा परमिशन लिए बिना कैसे करो सब लोग को लगता है कि हम महान है तो बोला हाँ आपने गलत किया हाई कोर्ट ने भी नहीं सॉरी इस चीज से वो लो के लोग आए अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स के फेवर में दिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि इनकम टैक्स खुद में ही है, करने के लिए मुझे किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एंड सेकेंड बात जो उन्होंने बोला कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रहा हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स कोई कोर्ट का फंक्शन नहीं कर रहे होते सूट उट फाइल नहीं किया अभी तो केवल उन्होंने चेक करना शुरू किया है Hence, उन्हें बिना किसी परमिशन के आगे बढ़ने की इजाजत है उन्हें परमिशन लेना जरूरी नहीं है तो उन्होंने देखा कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो जनरल में उस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट अगर आपको फाइल करना होता है तो आपको उस लिक्विडेटिंग कोर्ट का परमिशन लेना होता है लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज यहां पे केवल असेसमेंट देखा गया यहां पे सूट फाइल नहीं किया गया ठीक है और सिंस केवल असेसमेंट हो रहा है इसीलिए जो सूट कर, फाइल करने के पहले परमिशन लेना पड़ता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लेना नहीं पड़ा क्लियर चलिए आते हैं अपने आज के दूसरे केस में दूसरे केस का नाम है रामचंद्रन शगर शुगर मिल्स कन्हैया कन्हैयालाल भार्गव ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को हम लोग ने नोटिस किया देखिए हुआ क्या था कन्हैया लाल भार्गव जो है उन्होंने रामचंद्र शुगर मिल्स के अगेंस्ट एक केस फाइल की थी ठीक है केस नंबर 43 थ्री कन्हैया लाल भार्गव ने एक केस फाइल की थी अगेंस्ट रामचंद शुगर मिल्स ठीक है ये एक कंपनी है तो अब एक कंपनी के अगेंस्ट जब केस फाइल होती है तो क्या कंपनी खुद के पैर से आती है नहीं ना कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं ठीक है तो जब कन्हैयालाल भार्गव ने केस फाइल किया अगेंस्ट रामचंद शुगर मिल्स रामचंद शुगर मिल्स जो कंपनी है उसके डायरेक्टर के पास नोटिस गया समन्स गया उसके डायरेक्टर के पास नोटिस गया देखो भाई आपकी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है प्लीज अपना दर्शन दे दीजिए कोर्ट आ जाइए एंड देन हम लोग आपका मैटर डिसाइड करेंगे वो डायरेक्टर आया ही नहीं फिर उनको वापस नोटिस गया वो डायरेक्टर फिर भी नहीं आया फिर उनको वापस नोटिस गया वो डायरेक्टर फिर भी नहीं आया ऐसे करके कई नोटिस चले गए बट डायरेक्टर आया ही नहीं एंड में परेशान होकर उस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उन्होंने बोला हम इस कंपनी का राइट टू डिफेंस छीन रहे हैं अब ये कंपनी अपने आप को इस सूट में डिफेंड नहीं कर सकती ठीक है सो अंडर सिविल प्रोसीजर कोर्ट कोर्ट्स को ये हालत है कोर्ट्स को ये राइट right है कि अगर मान लो कोई पार्टी बार बार समझ देने के बाद भी नहीं आती है तो कोर्ट उनका राइट टू डिफेंस छीन सकती है ठीक है so इस केस में कोर्ट ने बात बोला कि ये कंपनी बार 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 नहीं आ रही, बार बार नहीं आ आ रही रही हम इसका राइट टू डिफेंस छीन रहे हैं ठीक है जब ये ऑर्डर पास हुआ तब कंपनी घबरा गई कंपनी गई कोर्ट के पास एंड कंपनी बोली देखो भाई हमसे गलती हो गया है और गलती हमारी है नहीं इन द फर्स्ट प्लेस को कंपनी का बोलना था हमारे डायरेक्टर को आपने नोटिस भेजा वो डायरेक्टर नहीं आया आपने समन्स भेजा वो डायरेक्टर नहीं आया इसमें कंपनी की क्या गलती कंपनी ने कभी उस डायरेक्टर को ऑथराइज नहीं किया था कि आप समन्स को डिसरिगार्ड करो okay. कंपनी ने कभी उस डायरेक्टर को नहीं बोला था कि समन्स आए नोटिस आए उसके बाद भी मत जाना कंपनी उस डायरेक्टर ने खुद से नहीं गया वो डायरेक्टर्स का पर्सनल डिसीजन था तो अगर डायरेक्टर्स पर्सनली कुछ गलत करे तो हाँ आप कंपनी को क्यों लाएबल होल्ड करोगे यहाँ पे लाल भार्गव साइड में बैठे बैठे हंस रहा था कन्हैया लाल भार्गव बोला सर जी आपने रेजोल्यूशन पास किया था आपने ऑथराइज किया था डायरेक्टर को डायरेक्टर आपका एजेंट होता है आपके एजेंट ने गलती की प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा एंड इसलिए कन्यालाल भार्गव ने बोला देखो आपको जो बोलना एकदम उदास मेरी कोई गलती नहीं है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उस को किया था डायरेक्टर पर्सनली नहीं आ रहा है उसका हम क्या कर सकते प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ठीक है मैटर पहुंच गया कोर्ट के पास कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया कोर्ट ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि कंपनी कि ने डायरेक्टर को ऑथराइज किया था यस yes. क्या वो डायरेक्टर को प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ ऑथराइज किया था यस बट ऑथराइज क्या चीज के लिए किया था ऑथराइज इसी चीज के लिए किया था कि कंपनी जाओ उस पर्टिकुलर मैटर का टेक केयर करो डायरेक्टर जाओ उस पर्टिकुलर मैटर का टेक केयर करो कंपनी ने कहीं पे भी नहीं ये चीज बोला डायरेक्टर को कि आप इस मैटर में अपियर मत करना कोर्ट ने बोला जब तक ऐसे एक्शन में एक डायरेक्टर एक कंपनी का कल्यूजन उनका मिली भगत नहीं दिखता है तब तक आप डायरेक्टर के के एक्शंस लिए कंपनी को होल्ड नहीं कर सकते कंपनी ने डायरेक्टर को ऑथराइज किया था लेकिन कंपनी को रेप्रेजेंट करने के लिए क्या था कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन करने के लिए नहीं किया था इसीलिए ऐसा होल्ड किया गया कि कभी भी ऐसा कोई केस हो जहां डायरेक्टर कोई ऐसा एक्ट कर रहा हो जिसके लिए उसको कंपनी ने ऑथराइज नहीं किया है तो आप कंपनी को उसके लिए लाइबल नहीं होल्ड कर सकते इस केस में कंपनी ने ऑथराइज किया था कि जाओ भाई जाके कंपनी को रिप्रेजेंट करो कंपनी ने कहीं नहीं यह बात बोला था डायरेक्टर को कि तुम समझ मत पे करना या कहीं कल्यूट करके कर मिली भगत करके बोला था ऐसा मत करना तो ऐसे केसेस में आप कंपनी को गिल्टी होल्ड नहीं कर सकते आपको डायरेक्टर के अगेंस्ट पर्सनल एक्शन ले जाना है तो आप वो कर सकते हो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में क्या होल्ड हुआ था डेंट ने सूट फाइल की थी कंपनी के अगेंस्ट जो चीज तो कंपनी जो कोर्ट था उसने समन्स इशू किए डायरेक्टर के ऊपर कोर्ट ने बहुत समन्स इशू किए काफी अपॉर्चुनिटीज दी लेकिन फिर भी डायरेक्टर अपीयर नहीं हुआ परेशान होगी कोर्ट ने उनके डिफेंस को कैंसिल कर दिया अग्रीव कंपनी ने प्रेफर की अपील कोर्ट ने कंपनी के फेवर में दिया कोर्ट का कहना यह है कि द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर विद इन द पास कंफर्ड ऑन देम विल बाइंड द कंपनी बट एक्ट आउटसाइड सच पास विल नॉट बाइंड द कंपनी ठीक है अनलेस देर इज अ फाइंडिंग ऑफ कल्यूजन मिली भगत बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर द फेलियर ऑफ डिरेक्टर अपियरिंग कोर्ट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द राइट ऑफ द कंपनी आप दिखा दो कि कंपनी और डायरेक्टर मिली भगत करके काम कर रहे थे हैं। इसलिए डायरेक्टर नहीं आया कंपनी को सामना करना पड़ेगा कंपनी को नुकसान झेलना पड़ेगा बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था यहां पे किसी ने भी डायरेक्टर को नहीं बोला था मत जाओ यहां पर इनफैक्ट डायरेक्टर को बोला जा रहा था जाइए डायरेक्टर पर्सनली नहीं आया तो लाइबल कौन होगा डायरेक्टर पर्सनली यहां पे द कंपनी ये केस समझ गया तो आते हैं अपने अगले केस में जिसका नाम है शैलेश प्रभुदास मेहता वर्सेस कैलिको डाइंग प्रिंटिंग लिमिटेड इसके लिए मेरे को थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा इस चार्ट का एनलेट सी इसमें हुआ क्या था ठीक है तो जो सैलेश थे ना उनके पप्पा वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी कॉन्ड कैलिको डाइंग ठीक है तो सैलेश है उनके पापा वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड कैलिको ठीक है नाउ जो पापा है उनकी डेथ हो गई लेट से 1958 में लेट से अंदाजा ठीक है 1958 में जब डेथ हुई तो किसी के डेथ हो जाने से क्या हो जाता है, उनका शैस? उनका शैस हो जाते है लीगल है है ठीक लेकिन लीगल एस को इसके लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाकर दिखाने पड़ते कंपनी कोई सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तो में डेथ हुई पप्पा की ठीक है उस समय एओए में कंपनी के पास पावर टू तो रिफ्यूज ट्रांसमिशन नहीं था ठीक है जिस समय डेथ हुई उस समय एओए में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड के पास पार नहीं था कि वो किसी का भी ट्रांसमिशन को रिफ्यूज कर सके ठीक है उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1965 में लेट से एओ एओए को अमेंड कर दिया गया एंड वहां पर पावर टू रिफ्यूज दे दिया गया ठीक है एओए को अमेंड कर दिया गया एंड वहां पे पार टू रिफ्यूज दे दिया गया ठीक है

ठीक है जब वो लोग डॉक्यूमेंट्स जमा किए ट्रांसमिशन कराने के लिए कंपनी के पास तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने बोला हम ये ट्रांसमिशन रजिस्टर नहीं करेंगे अपने शेयर्स में अपने रजिस्टर में तो शैलेश ने बोला आप क्यों नहीं करोगे तो दे सेट बस हम नहीं करेंगे बिकॉज आपके पप्पा का हमारे साथ काफी दिनों से एक स्टैंडिंग डिस्प्यूट है ठीक है एक स्टैंडिंग डिस्प्यूट है तो हम नहीं करेंगे ठीक है, सैलेश सैलेश एकदम गया, बोला अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जब सैलेश डॉक्यूमेंट्स देखा तो सैलेश बोला पप्पा 1958 में गुजरे थे तो आप अभी भी नहीं रोक सकते हो ठीक है कंपनी बोली आप मेरे पास ट्रांसमिशन के लिए कब आए नाइनटीन में नाइनटीन में मेरे पास राइट है आपको रोकने का और हम रोक सकते हैं ठीक है थीके? तो पहला क्वेश्चन ये है क्या कंपनी रोक सकती थी जब कोर्ट के पास यह मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने काफी गहराई से इस मैटर को देखा एंड कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि पप्पा की डेथ हुई 1958 में अगर उस समय ये लोग जाते ट्रांसमिशन रजिस्टर कराने तो उस समय कंपनी इन्हें रोक नहीं सकती थी बिकॉज कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो पार नहीं था लेकिन वो लोग गए 1965 में 1965 के पहले ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड हो चुके थे मतलब जिस दिन ये लोग अपना एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिशन लेके गए उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पार था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उस दिन पार था तो कुछ नहीं रोकता तो फिर सैलेश और चिर गया सैलेश बोला ठीक है चलो मान लो पार था उनके पास बट वो पार एक्सरसाइज करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड तो होना चाहिए ये क्या फालतू बात कर रहे कि पप्पा के साथ इनका कोई झगड़ा चल रहा था ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होता कोर्ट ने बोला ये एक बहुत रीजनेबल ग्राउंड है अगर कंपनी का किसी इंसान के साथ झगड़ा चल रहा है दिस मींस कि वो झगड़ा कभी ना कभी कोर्ट में जाएगा विच मींस कंपनी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा हैंस दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड बिकॉज़ ही कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है समझा आपको सो so, यहां पे होल्ड किया गया कि एक स्टैंडिंग डिस्प्यूट अगर कंपनी का अपने शेयर होल्डर के साथ होता है तो वो एक रीजनेबल ग्राउंड है उन शेयर्स का ट्रांसमिशन या ट्रांसफर को रिजेक्ट करने के लिए इसीलिए इस केस में कोर्ट ने होल्ड किया वन कि कंपनी को 1965 में पार था रिफ्यूज करने का एप्लीकेशन 1965 में फाइल हुआ एंडहेंस कंपनी उस साल रिफ्यूज कर सकती थी एंड टू कंपनी जब रिफ्यूज किया तो उसने एक रीजनेबल ग्राउंड भी किया एंड वो ग्राउंड था कि एक स्टैंडिंग डिस्प्यूट है ये ग्राउंड को रीजनेबल ग्राउंड बोला गया एंडहेंस जो रिफ्यूज किया गया उसको वैलिड माना गया आइए जल्दी से देखते हैं फटाक से अपने केस में अपने नो, इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है एपलेंट इज लीगल हेयर ऑफ द शेयर होल्डर जो कि मर चुके पप्पा मर चुके के ठीक पावर दे दिया गया कि वो ट्रांसमिशन ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है इसमेंट के, के बाद एपलेंट आए एंड रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसको उन्होंने भेजा कंपनी को ये अप्रोक्सीमेटली छह सात साल बाद हुआ है ठीक है डायरेक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन उनका बोलना था कि हमारे बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट था इसलिए वजह से हम लोग डिफ्यूज कर रहे हैं एपलेंट बोला ये सब कोई वैलिड रीजन नहीं है आपका मैलिफाइड इंटेंशन है इसलिए आप ये सब बदतमीजी कर रहे हो हम जाएंगे कोर्ट के पास वो कोर्ट के पास आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज कोर्ट ने अल्टीमेटली कंपनी के फेवर में डिसाइड की कोर्ट का बोलना था कि रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसमिशन वो शॉर्ट फ्टर एओ ए वॉज अमेंडेड एंडहेंस बोर्ड को पार मिल चुका था बोर्ड को अगर पार मिल चुका है तो वो इस पार का एक्सरसाइज कर सकता है एंड सेकेंडली अगर दो पार्टी के बीच में स्टैंडिंग डिस्प्यूट एनिमोसिटी होता है सो इट इज अ proper and commercial decision of the management to not register the shares because it is in the interest of the company or rather any decision management interest of the company so that is a reasonable justification hence the court held that there was no malified intention and the company had rightly rejected the registration of shares clear क्लियर हुआ सबको चलिए आज का सेकंड लास्ट केस देखते हैं अपने आज छोटा सा क्लास होगा एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए इसलिए सेकंड सेकंड लास्ट लास्ट केस 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 है जो है जो वो का नाम है ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ हाई कोर्ट वर्सेस लक्ष्मी कुट्टी ऑफिशियल लिक्विडेटर है मतलब कहीं ना कहीं तो वाइंडिंग अप चल रहा है ठीक है ना यहाँ क्या हुआ देखिए ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एक कंपनी का वाइंड अप स्टार्ट किया कोर्ट ने एक कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया ठीक है तो वाइंडिंग अप ऑर्डर जब पास करते तो क्या होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट ना ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम क्या है ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होता है कि वो उस कंपनी के सारे असेट्स को रियलाइज करे रियलाइज करे एज इन सारे असेट्स को बेच बेच के रियलाइज करे एंड सारे डेट्स को उसके बाद डिस्चार्ज करे ठीक है नो असेट्स को रियलाइज करना मतलब मेरे जितने रिसीवेबल्स है वो भी लोगों से जाके वापस मांगना वो भी हमारा असेट्स है ना उसको रियलाइज वैसे ही करेंगे सो so, इस केस में क्या था ये जो हमारी लक्ष्मी कुट्टी है वो उस कंपनी को सर्टेन पैसा ओ करती थी कंपनी को कुछ पैसा मिलने वाला था लक्ष्मी कुट्टी से ठीक है सो ऑफिशियल लिक्विडेटर गए लक्ष्मी कुट्टी के पास एंड बोले देखो हमारा लिक्विडेशन चालू हो चुका है आपको लेट से थाउजेंड रुपीज देना है कंपनी को वापस आप वापस दे दो ठीक है लक्ष्मी कुट्टी ने बोला हाँ मेरे को थाउजेंड रुपीज देना है कंपनी को वापिस आई एम नॉट एट ऑल आर्ग्यूइंग दिस फैक्ट बट मेरे को कंपनी से बदले में टू थाउजेंड रुपीज भी तो मिलना है तो एक काम करते हैं सेट ऑफ कर दो एंड आप मेरे को हजार रुपया वापिस करो ठीक है लिक्विडेटर बोला यार ऐसे नहीं चलता ये आपके नॉर्मल डीलिंग्स में चलता होगा लिक्विडेशन में मेरे को पहले सारे असेट रियलाइज करने हैं एंड देन एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसमें आपके डेट्स डिस्चार्ज होंगे तो आप बाद में जब उस ऑर्डर में जहां आओगे आपको तब अपना पैसा मिलेगा फिलहाल मेरे को ये जो हजार रुपया है जो आपको कंपनी को देना है आप प्लीज दे दो लक्ष्मी कुट्टी बोली ऐसे कैसे दे दे हम आप अभी मेरे से हजार रुपए ले लोगे और फिर बाद में मेरे को पैसा नहीं दोगे वापस नहीं नहीं सेट ऑफ करते हैं जो बच्चा कुछ है, पैसा है वो बाद में दे, दे देना अभी हम आपको एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं ठीक है दोनों के बीच में आया डिस्प्यूट डिस्प्यूट गया कोर्ट पहुंचते पहुंचते ये पहुंचा सुप्रीम

ट in का डिसीजन है इसलिए विद ड्यू रेस्पेक्ट ये को हम एक्सेप्ट करते हैं ठीक है थीके? इस डिसीजन में यह होल्ड किया गया कि अगर लिक्विडेशन के दौरान एक कंपनी इज द पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है तो आप प्रॉपर कंपनी करते हो लेकिन लिक्विडेशन के दौरान अगर मान लो आप किसी इंडिविजुअल के साथ डील करते हो तो आपको इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉस भी देखना पड़ेगा ठीक है तो आज के दिन में हमारे पास कौन सा द इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉजिप्सी कोड ऑफ इंडिया अभी इनफोर्स नहीं हुआ है बट एन हो चुका है केस 1980 के पहले का। उस समय होता था एक्ट एक है 1909 का, दूसरा एक्ट है अब तो कोर्ट ने बोला बिकॉज यहां पे एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है हमें इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉज को भी रेफर करना पड़ेगा जब उन्होंने इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉज रेफर किए तो वहां पर उन्होंने पाया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सिक्स ऑफ द प्रोविंशियल इंसोल्वेंसी एक्ट अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी पैसा आप ओ करते हो एंड बदले में वो इंडिविजुअल भी आपको पैसा ओ करता है तो आपको वो पैसा क्लेम सेट ऑफ करना पड़ेगा एंड इसलिए कोर्ट ने बोला कि अगर यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो आपको इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉज बोलते ही सेट ऑफ करना पड़ेगा इसलिए आपको यहाँ पे सेट ऑफ करना पड़ेगा दस द कोर्ट हेल्ड कि लक्ष्मी कुट्टी का जो कहना है वो माना जाएगा एंड द मन अमाउंट विल बी सेट ऑफ अगेन सेइंग आई एम नॉट पर्सनली वेली कन्विंस्ड बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है इसलिए हमें ये जजमेंट मानना पड़ेगा ठीक है देखते क्या बोला गया था ऑफिशियल लिक्विडेटर ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि वो लक्ष्मी कुट्टी को बोले कि जितना पैसा है वापस करो लक्ष्मी कुट्टी बोल रही कि भाई म्यूचुअल डीलिंग्स है आपको भी कुछ पैसा देना है मेरे को भी कुछ पैसा देना है एक काम करते हैं हम लोग पैसा को सेट ऑफ कर लेते हैं ठीक है ठीके? पैसा को हम लोग ओनली दैट अमाउंट शुड बी पेबल विच इज ड्यू एट द एंड ऑफ सच सेट ऑफ कोर्ट ने बोला कि जो लक्ष्मी कुट्टी बोल रही है वो सही है इसलिए वापस अपील में आए अपील में सुप्रीम कोर्ट ने भी लक्ष्मी कुट्टी के फेवर में दिया सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अगर वाइंडिंग अप हो रहा है इंसॉल्वेंट कंपनी का एंड एक इंडिविजुअल के साथ डीलिंग्स हो रही है सो वही रूल्स प्रिवेल करेंगे जो एक इंडिविजुअल के रिलेटेड था इसलिए हम लोग प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट देखे उसका सेक्शन 46 बोलता है कि आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा म्यूचुअल डीलिंग्स को एंड हेंस यहां पे बोला गया कि रेस्पॉन्डेंट को कि आप सेट ऑफ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में डेरफॉर्म उन्होंने देखा कि अगर एक कंपनी किसी इंडिविजुअल के साथ कोई म्यूचुअल डीलिंग्स करती है एंड कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है तो आपको इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लॉस भी देखने पड़ेंगे विच इन द इंस्टेंट केस वॉज प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट बोल रहा है कि सेट ऑफ कर सकते हो इसीलिए आप सेट ऑफ करोगे ठीक है चलिए देखते हैं जल्दी से फटाक से आज का लास्ट केस आज का लास्ट केस इज एपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस ऑफिशियल अगेन यहां पर एपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर अगेन यहां पर क्या बोलते हैं एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है मतलब कहीं ना कहीं वाइंडिंग चल रहा है ना इस केस में क्या हुआ था देखिए इस केस में दो कंपनीज थे कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों के अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका था मतलब दोनों के अगेंस्ट कौन अपॉइंट हो चुका था ऑफिशियल लिक्विडेटर नाउ दोनों ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जब अपना अपना काम शुरू किया तो उस पॉइंट पे आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये लोग सामने आए एंड ये लोग बोले देखिए भाई हमारे पास एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1951 एंड सिंस ये एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है हम चाहेंगे कि हम इस एक्ट के अंडर अपना काम करें ना कि हम कंपनीज एक्ट के अंडर काम करें ठीक है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ठीक है सो स्टेट कॉर्पोरेशन बोल रही है कि हमको अपना स्पेशल एक्ट के अंडर काम करना है हमको उसके अंदर काम करने दो ठीक है ऑफिशियल लिक्विडेटर बोल रहा है कि नहीं आपको कंपनीज एक्ट के अंदर काम करना पड़ेगा आपको कंपनीज एक्ट का बात मानना पड़ेगा ठीक है दोनों पहुंच गए कोर्ट के पास कोर्ट ने क्या डिसाइड किया होगा कोर्ट ने डिसाइड किया कि चलो आप अपना स्पेशल एक्ट के अंदर जाओ लेकिन हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थोड़े कंडीशंस लगा दे रहे हैं आपके ऊपर ठीक है तो कोर्ट ने दोनों को खुश कर दिया इस बात से आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गुस्सा हो गई वाई सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुप्रीम कोर्ट के पास आके चिल्लम छोट शुरू की कि कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट मेरा स्टेट कॉर्पोरेशन एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट माई स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट शुड प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट ऐसे कैसे नीचे वाले कोर्ट ने मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट के तहत कुछ कंडीशन लगा दिए जब मेरा स्पेशल एक्ट मेरे को राइट दे रहा है तो हम स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल तो आई विल गेट दो ने बोला वी अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंडल एक्ट ओवर जनरल एक्ट बट यू नीड टू नो दैट देर अनदर प्रिंसिपल विच द एक्ट विच इज एनएक्टेड लेटर विल प्रिवेल ओवर द एक्ट दिच इज एनएक्टेड अर्लियर मतलब जैसे स्पेशल एक्ट्स प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट्स ठीक है जैसे एक स्पेशल लेजिस्लेशन जनरल लेजिस्लेशन के ऊपर प्रिवेल करता है वैसे ही वो लेजिस्लेशन जो बाद में एन हुआ है वो पुराने लेजिस्लेशन के ऊपर प्रिवेल करता है न अगर हम पहले प्रिंसिपल के हिसाब से जाए स्पेशल एक्ट टू प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट वहां पे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट विल प्रिवेल बट अगर हम सेकंड प्रिंसिपल के हिसाब से जाए कि लेटर एक्ट विल प्रिवेल ओवर फॉर्मल एक्ट

ऐसे तो हम लोग नहीं चल सकते हम किसी एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर प्रिवेल नहीं करवा सकते इसलिए हम करेंगे काम हम घुस के देखेंगे एक्ट एक्ट में। आक्ट में जब घुसे तो देखा गया था कंपनीज़ वॉट में नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज सेवर इज गिवेन इन दी लॉ उस समय विच मीन कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल विच मीन कोर्ट कंपनीज एक्ट का कंडीशन लगा सकती थी ध्यान से समझिए हम लोग ने तीन प्रिंसिपल यूज किए पहला प्रिंसिपल स्पेशल एक्ट टू प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट ठीक है इस प्रिंसिपल के हिसाब से स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट जीता ठीक है दूसरा एक्ट हम लोग ने किया लेटर एक्ट दूसरा प्रिंसिपल है टू प्रिवेल ओवर फॉर्मर एक्ट इसके हिसाब से कंपनीज एक्ट जीता दोनों प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट आप किसी को दूसरों के ऊपर नहीं चढ़ा सकते ठीक है तो हमने एक तीसरा प्रिंसिपल देखा नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज मतलब आज अगर मेरे एक्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है इसका मतलब माय एक्ट विल प्रिवेल ओवर द प्रीवियस एक्ट कंपनीज एक्ट में नॉट विथ क्लॉज था इसीलिए इसके हिसाब से भी कंपनीज़ एक्ट ही जीता हम देख रहे कंपनीज़ एक्ट इस पर्टिकुलर केस में जीत गया एंड हेंस कोर्ट ने होल्ड किया कि कंपनीज़ एक्ट के अंडर आपने जो कंडीशंस लगाए सब कंडीशंस वाजिब है सब कंडीशंस वैलिड है एंड आप कंडीशंस लगा सकते हो ठीक है तो देखें हमारे केस में क्या दिया गया है केस में दिया गया है ये कंपनीज दो लिक्विडेशन में चली गई थी एंड उनके ऊपर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया था दोनों कंपनी ने एपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया था एंड एपलेंट बोला कि हम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर लेना चाहेंगे ठीक है एपलेंट ने अकॉर्डिंगली कंपनीज कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल की दोनों ने परमिशन ग्रांट कर दिया लेकिन कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज एक्ट दिए एपलेंट ने बोला कि आप कंडीशंस नहीं लगा सकते बिकॉज स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट एंड हेंस मेरे एक्ट में जो लिखा हुआ है दैट विल प्रिवेल ठीक है कोर्ट ने ये गलत लिखा हुआ है यहां पे कर दो रेस्पॉन्डेंट कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर के फेवर में दिया कोर्ट ने बोला स्पेशल एक्ट है इसलिए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट जीतेगा बट लेटर एक्ट है इसलिए कंपनीज एक्ट जीतेगा इसलिए हम थर्ड देखेंगे नॉन ऑब्सटैंक क्लॉज नॉन ऑब्सेंट क्लॉज के हिसाब से कंपनीज एक्ट में नॉन ऑब्सेंट क्लॉज था इट विल प्रिवेल ओवर दॉन ऑब्सेंट क्लॉज ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल दाइनेंशियलेशन एक्ट एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट वॉज जस्टिफाइड in, Providing the above conditions. तो समझ आप इस बात को जहां पर दो प्रिंसिपल एक दूसरे साथ वहाँ पे हम कोई स्टेट के नहीं आ सकते वहां पर हम सिंपल एक्ट के अंदर के देखते, क्या बोला जा रहा है करेगा, Companies Act इस पॉइंट पे प्रिवेल कियापोरेशन एक्ट इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है पांचों के डे पहला केस था एस वी खोडसकर वर्सेज वीपी देश पांडे यहां पर इनका

हो रहा है तब वो सूट नहीं होता है असेसमेंट करते वक्त कोर्ट का, का काम नहीं कर रही थी इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड इसलिए अभी हाँ परमिशन लेने का जरूरत नहीं है दूसरा केस था रामचंद शुगर मिल्स वर्सेस कन्हैयालाल भार्गव यहां पे कन्हैयालाल भार्गव ने एक केस फाइल किया था लेकिन उसके डायरेक्टर आप सामने नहीं आए परेशान होकर कोर्ट ने उनका राइट टू डिफेंस कैंसिल कर दिया यहां पे कंपनी फिर जब दुखी हो गई उनको पता चला राइट टू डिफेंस कैंसिल हो गया वो आई कोर्ट के पास और बोली कि प्लीज मेरे को माफ कर दो गलती मेरे डायरेक्टर की थी मैंने डायरेक्टर को ऑथराइज किया था अपीयर करने के लिए मैंने उनको ऑथराइज नहीं किया था ऐसा कुछ करने के लिए मेरी कोई गलती नहीं है कोर्ट ने बोला ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल होते हैं डायरेक्टर्स जब पर्सनल डिसीजन लेते हैं यहां पर कुछ भी नहीं था ऑन रिकॉर्ड टू शो की कंपनी ने कल्यूड किया है या कंपनी ने बोला डायरेक्टर को ऐसे करने के लिए इसलिए द डायरेक्टर विल नॉट बी हेल्ड लाइबल इसलिए सॉरी डिफेंस विल नॉट बी स्ट्रक ऑफ नेक्स्ट डाइंग यहां पे दो क्वेश्चंस उठे थे कि अगर ट्रांसमिशन पहले होता है लेकिन उसका आप सर्टिफिकेट्स बाद में डालते हो एंड सर्टिफिकेट्स डालने के पहले अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दिया जाता है एंड बोर्ड को पार दे दिया जाता है टू रिफ्यूज ट्रांसमिशन क्या बोर्ड के पास उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पार रहेगा कोर्ट ने होल्ड किया हार रहेगा बिकॉज जिस दिन ट्रांसमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन डाला उस दिन कोर्ट के पास वो पार था हेंस कोर्ट ने सही किया अगर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया सेकेंड क्वेश्चन अगर किसी दो पार्टी के बीच में कोई स्टैंडिंग डिस्प्यूट है तो इज इट अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू रिफ्यूज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कोर्ट ने होल्ड किया येस इट इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन बिकॉज इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ दी कंपनी थर्ड केस था लक्ष्मी कुटी वाला यहां पर ऑफिशियल ликвиडेटर लक्ष्मी कुट्टी के बीच में हुआ लड़ाई लक्ष्मी कुट्टी बोल रही है दोनों को एक दूसरे से पैसा चाहिए सेट ऑफ कर दो ऑफिशियल ликвиडेटर बोल रहा है सेट ऑफ नहीं कर सकते पहले सारा तुम पैसा दोगे बाद में हम उसको पैसे को डिस्चार्ज करेंगे कोर्ट ने होल्ड किया नहीं इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इसलिए हमें इन्सोल्वेंसी प्रोविन्शियल इंसोलवेंसी एक्ट देखना पड़ेगा जिसमें सेट ऑफ करने का प्रोविजन बनाया गया है हेंस इस पर्टिकुलर केस में आप सेट ऑफ कर सकते हो उसके बाद उन्होंने लास्ट केस देखा एपी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यहां पे भिरन था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के बीच में दो प्रिंसिपल भी भिड़ रहे थे स्पेशल विल प्रिवेल ओवर जनरल एंड लेटर विल प्रिवेल ओवर फॉर्मर जब ये दो प्रिंसिपल्स भिड़ रहे तो हम लोग कोई स्टेट जाके फॉर्मला नहीं ला सकते कोर्ट ने बोला हम अंदर घुस के देखेंगे अंदर घुसने पे देखा कि कंपनीज एक्ट में नॉन ऑप्स क्लॉज है जो बोलता है कि कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल ओवर एनी अदर एक्ट एन एक्टेड बिफोर दी कंपनीज एक्ट एंड देर फोर कंपनीज एक्ट विल ओवर दी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि आधे घंटे का था वो खत्म होता है हम आप सबसे मिलेंगे विद अनदर लेक्चर इन एट अनदर डे एट अनदर टाइम तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए हंसते रहिए पढ़ते रहिए एंड अपना ख्याल जरूर रखिये थैंक यू